हाय फ्रेंड्स, आज राग मियां की तोड़ी आपको सुनाने जा रहा हूँ और उसमें ऋषभ की जो श्रुति होती है, जैसे मैंने मेरे कुछ पहले वीडियोस में बताया कि स्वर और श्रुति, तो उनका जो फर्क है, तो मियां की तोड़ी में या उसे कोई कोई लोग सिर्फ तोड़ी भी कहते हैं, तो मियां की तोड़ी में जो कोमल ऋषभ की श्रुति होती है वो अति कोमल ऋषभ की होती है और कोमल गंधार की जो श्रुति होती है वो भी अति कोमल गंधार है। तो ये मैं गाते गाते आपको दिखाऊंगा मैं, और इसमें पंचम जो है, पंचम का जो वापर होता है, जो यूज होता है, वो अल्प है यानी कम है। तो पंचम कभी कभार आता है, आप जब आलाप यूज, रात की जब बढ़ंत करते हैं, तो रात की बढ़ंत में आप जब काम कर रहे हो उसमें, तो उसमें पंचम का जो यूज है उसको थोड़ा सा मिनिमल रखना पड़ता है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अब यहाँ पे दैवत जो है वो फ्लैट कोमल दैवत नहीं है, दैवत भी जो है वो अति कोमल दैवत है और उसमें आंदोलन है। अब इसमें शुद्ध निषाद जो है वो दुर्बल है, यानी निषाद का जो प्रयोग है वो कम किया जाता है। तो इस प्रकार से उसमें कोमल निषाद आएगा, तो शुद्ध निषाद आएगा। आई एम सॉरी। अब ये ऋषभ जो है वो अति कोमल ये चढ़ा है, ख्याल है ये पारंपरिक पद्धति से विलंबित तीन ताल में गाया जाता है, बट मैं उसको मध्यले तीन ताल में गाता हूँ।
कहते हैं तो अस्थाई के बोल यूज करके मैं उसमें आलापी कर रहा
उसके बाद फिर खास करके हमारे जयपुर घराने में तो हम विलंबित की लय नहीं बढ़ाते हैं और मध्यलय तीन ताल में ही तानकारी शुरू होती है। जोर मो तो अभी ताल अपनी एक लय पकड़ के चल रहा है और मेरी तान जो है वो अपनी एक लय पकड़ के चलेगी। अच्छा लगा ये वीडियो आपको आपके रियाज में मदद करे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।